हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक छोटी सी अपडेट रह गई थी और यहाँ पे जो आईपीसी जो टोकन थे वो सोल्ड आउट हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये सोल्ड आउट हो गए। और कल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो फेज टू ओपन होगा 0.08 USDT के हिसाब से, IUSDT समथिंग, आज जो टोकन मिले हैं एक USDT के 20 टोकन एंड कल जो टोकन मिलेंगे एक USDT के 12.5 टोकन, ओके, जो कमिंग सून है। दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ पे ट्राई करना है तो इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हैं बाइंग के हिसाब से। और उसके अलावा ये टोकन का क्या होगा, सबसे बड़ी बात है ये टोकन का होगा क्या, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो टोकन है इसको आप विड्रॉल कैसे करोगे। मेरे जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो वो आ रहे हैं तो उसको विड्रॉल कैसे करोगे। ठीक है, विड्रॉल का जो उन्होंने सिस्टम दिया है लगभग 25 अप्रैल को ये टोकन जो होंगे पेनकेक स्वैप के ऊपर लिस्ट, ओके, पेनकेक स्वैप के ऊपर आप इसको ट्रांसफ़र करके विड्रॉल कर सकते हैं। यही न्यूज़ है और यही मेरे को जो न्यूज़ मिली है मेरे अपलाइन से, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो कि कैसे आप उसको सेंड कर सकते हैं, कैसे आप उसको ये कर सकते हैं, तो उस वीडियो के लिए देखने के लिए आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तभी आप वो वीडियो देख पाएंगे, अदरवाइज़ आप वो नहीं देख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा भाई आप वहाँ से विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पेनकेक स्वैप पे आप उसको स्वैप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। दूसरी बात, फेज टू ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, फेज टू ओपन होने के बाद में आपको जाना है IO और आपको ट्राई करते रहना है, अदरवाइज़ कल ये जो 0.08 IUSD का जो प्राइस होगा वो उसके बाद होगा नहीं। ठीक है, क्या पता 25 अप्रैल ये जो टोकन है IPC टोकन आधा डॉलर का भी हो सकता है, 0.2 सेंट्स का भी हो सकता है, क्या पता इसकी प्राइस जीरो भी हो सकती है। तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्यों आने वाले दिनों में मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले बता दिया भाई कि कोई कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को ये लगता है कि इसकी जो प्राइस है काफ़ी हद तक लगभग 0.4 या फिर 0.3 या फिर आधा डॉलर के आसपास जा सकती है। इसका एक रीज़न है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है काफ़ी कम है। ठीक है, लाइव मार्केट में काफ़ी कम है, यानी कि 2-4 करोड़ टोकन ही फेस वन और फेस टू में मिल रहे हैं। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम ही मिल रहे हैं, परचेज मैक्सिमम $500 के ही मिल रहे हैं। तो इसकी जो प्राइस है अब जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो भी आपको अगर अच्छी प्राइस मिलती है, चाहे मेरे को चाहे आपको, तो अपने को यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, जैसे 20,000 टोकन मेरे को यहाँ पर मिले तो 20,000 टोकन में से मेरे को लगभग अगर $5,000-6,000 भी अगर मिल रहे हैं स्वैप करने से तो मैं तो इसको सेल करने वाला हूं। अदरवाइज़ मेरे को $2,000 भी मिलते हैं तो भी मैं इसको सेल करने वाला हूं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भाई, अपने को यहां पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको सेल करना है, अदरवाइज़ $50-100 मिलते तो सेल करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। तब तक के लिए नई नोटिफिकेशन के लिए, नए वीडियो के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। थैंक यू।